एशिया की सबसे तेज सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची स्टार प्लस के सीरियल दिया और वादी हम के सेट पर, जहां आखिरकार संध्या को पता चल गया है नील विष का राज। असल में सबके पीछे हाथ है संध्या की नौकरानी रिद्धि का, जिसके पास है नील विष का इंजेक्शन। संध्या को उस पर शक हो जाता है और वो करती है रिद्धि का पीछा, और आखिरकार रिद्धि का सच संध्या के सामने आ जाता है। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स के सीरियल थपकी प्यार की का सेट, जहां आज थपकी फंस गई है गुंडों के बीच। वही असल में थपकी के पास है वो सीडी जिसमें है बिहान की बेगुनाही का सबूत, और ये गुंडे थपकी से वो सीडी छीनना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, सही समय पर एंट्री मारी ध्रुव ने और वो थपकी को बचा ले गए। गुंडे हैं वो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं बिकॉज मैंने नकली डीवीडी दे दी उनको, क्योंकि असली तो खराब हो गई है। अब मुझे एंटीडोट लेना है उनसे और नकली डीवीडी दे दी है, इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, तो बस मैं पूरा भाग रही हूँ यहाँ पर। डीवीडी तो भैया इस सीन की हीरोइन या हीरो जो भी कहें वो है, बिकॉज वही डीवीडी है जिससे बिहान की बेगुनाही का सबूत है वो, और उसी से हम प्रूव करने वाले हैं कि बिहान बेगुनाह है। और अब थपकी और डीवीडी दोनों हमारे साथ हैं, तो आई एम श्योर अब सब अच्छा ही होगा। एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स के सीरियल ससुराल सिमर का सेट, जहां चंद्रमणि सिमर बनी सरकटी डायन पर हो रही है आग बबूला। भाई असल में इस नकली सिमर से हो जाता है वो लॉकेट गुम, जो चंद्रमणि ने खास तौर से उसे दिया था अपनी शक्तियां अर्जित करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ चंद्रमणि ही इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों है, बाकी सारे लोग जो मेरे असिस्टेंट है काम नहीं कर रहे ठीक से। मैंने इन्हें रखा है काम करने के लिए, भी काम नहीं कर रही, तो इसीलिए बहुत नाराज हो रही थी चंद्रमणि कि कुछ दिनों में हमारी हमारा जो भी मंसूबा है वो पूरा होने वाला है, तब तक के लिए तो कम से कम अपनी शक्ल अकल और दखल तीनों के तीनों दूर रखना। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है एन टीवी के शो संतोषी का सेट, जहां धैर्य को मार गया है लकवा, और ऐसे में संतोषी रख रहे हैं उनका ख्याल। मैं शुक्र है कुछ दिनों के लिए संतोषी को धैर्य की डांट तो नहीं खानी पड़ेगी। नहीं काहे को, धैर्य तो धैर्य है, वो किसी भी हालत में संतोषी को डांटने वाला मेरे को लगता है, और शायद चिड़चिड़ाहट ज्यादा होगी क्योंकि एक तो तबीयत खराब, ऊपर से संतोषी की शक्ल से उसको वैसे ही नफरत है, तो दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना मेरे को लगता है ज्यादा नुकसान करने वाला। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है सोनी पर आने वाला कपिल का कॉमेडी रियलिटी शो, जहां इस बार मेहमान बनकर पहुंचे हैं एक नहीं दो दो खास कलाकार, जाने माने डायरेक्टर फराह खान और साथ ही मशहूर टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। हमको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती, हमारी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि हम लोग वैसे ही, और कपिल हमें काफी मौके दे रहा था उसकी बेइज्जती करने के। आज जो सिद्धू साहब की बैंड बजाई है हमारी शक्ति जिंदाबाद, मैं फैन हो गया हूँ दोबारा से।